गाइस कैसे आप लोग, आज धमाधार ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो आज से मॉर्निंग अभी सुबह के बजे 6 बजे और अभी जा रहा हूँ हम लोग मॉर्निंग राइड पे, तो इसलिए मॉर्निंग राइड पे चला हूँ। बहुत दिन से चला नहीं और फिर से सोलो राइड होगा, ये अकेला चलूंगा मैं, कोई भी मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। तो मॉर्निंग राइड पे जाने का मतलब यही है कि काफी दिनों से हम लोग नहीं जा रहे थे, हम लोग सुबह कम से कम हो गया 6-7 महीना हो गया, कभी जाए नहीं अभी तक। तो इसलिए आज मॉर्निंग राइड पे जा रहा हूँ और मिलता हूँ आपको, दिखा रहा हूँ बढ़िया से लोकेशन, दिखता हूँ क्या क्या जगह मिलता है आपको, उसे भी दिखाऊंगा। तो चलिए आज मिलता हूँ मोटर ब्लॉक पे सीधा। फाइनली घर से निकल चुका और अभी पत्थरकुआरी इधर से हम लोग जाएंगे सीधा राइट साइड पे। थोड़ा कहाँ कहाँ जाता हूँ आप लोग को दिखाऊंगा आज मॉर्निंग राइड पे, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, अच्छी लोकेशन मिलने से आपको जरूर दिखाऊंगा। मेरा आपका मैजिक सर पत्थरकुआरी का, आगे जाने का बात करेगा आपको आंचलिक कॉलेज। सुबह सुबह बाइक चलाने का मजा ही कुछ अलग है, ऊपर से ठंडी हवा। ये रहा गणेश मंदिर, फिलहाल तो तेल भी नहीं है भाई, तेल भी हराना पड़ेगा। कहाँ खुला है देख लेता हूँ, उसके बाद तेल को भरा लेता हूँ। भाई जल्दी भराएंगे जरूर। निकलो निकलो भाई, हम लोग को भी तो जाने दो। सुबह सुबह भगाता हूँ, देखता हूँ कितना स्पीड जाता है भाई। और मिल जाएगा आपको एक बढ़िया सा क्वालिटी मिल जाएगा आपको, एक अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा और सस्ते दम में भी मिल जाएगा आपको। तो ये ला हमका फॉर सेट का 20 मिल गया अभी और नजारा बहुत सही है। आप मंदिर कृष्णा मंदिर साइड का जो व्यू आ रहा है काफी मस्त आ रहा है। चल गए हमसे, हमारी क्या आवाज दे गई भाई। थोड़ा अभी बातें में जा रहे थे, अभी थोड़ा देखता होता है एक्सीडेंट मिलता है भाई। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, ये रहा पेट्रोल पंप नंबर, यह बिल देते टार्निंग लेते उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे। तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक टाइम था इधर पे एक बढ़िया सा हॉल गया करते थे हम लोग, सभी आते थे इधर पे, हम लोग जितना भी फ्रेंड्स है। लेकिन ये हॉल तोड़ दिया, अभी सोच रहा है इधर पे कोई मॉल होगा, पता नहीं क्या होगा, तो तोड़ दिया सारा कुछ, खत्म ही कर दिया। सोच रहा हूँ सुबह सुबह थोड़ा चाय भी पी लेता हूँ भाई, चाय पीने का जो सुस्ती का मजा है सुबह सुबह उससे अलग ही होगा। थोड़ा नींद भी लगा इसलिए थोड़ा चाय पी लेता हूँ कहीं पे रुक के, देख रहा हूँ किधर पे मिलता है भाई।
सुबह सुबह लेकिन दौड़ना चाहिए, दौड़ने से आपका सेहत बहुत ही मस्त होता है। मैं सोच रहा सुबह सुबह दौड़ूँ क्या, क्या कहते हो गाइस? अरे अकेला अकेला घूमने में मन नहीं करता है क्योंकि अकेला हूँ थोड़ा, तो मतलब बताइए आपको शायद कुछ फंक्शन वगैरह हुआ शायद, सुबह सुबह ताज़ी हवा पे चलाने का मजा ही कुछ अलग है। मैं सोचा ये कलर किया है तो कलर नहीं है तो कुछ अलग ही है। और थोड़ा दूर के बाजार से मिलेगा आपको ये रहा, उधर पे आपको मिलेगा गुवाहाटी कॉलेज। गुवाहाटी कॉलेज में सबसे हम लोग का उधर से हम लोग इधर पढ़ने के लिए आते हैं और हर कोई का सपना भी होता है गुवाहाटी कॉलेज में पढ़ने के लिए, एक अच्छा कॉलेज में पढ़ने के लिए। और सामने आपका विशाल देख रहे हम लोग, उसका बगल से आपका गुवाहाटी कॉलेज। मछली पकड़ने अभी मछली खरीदने जा रहा है, उसके बाद हर घर घर में मछली बेचेगा ये लोग। जैसे कहाँ से मछली खरीदते हैं यार, हमें कोई देख रहा है तो यार आसपास की तो कोई को मैसेज में जरूर बताना है मछली कहाँ से खरीदते हैं और कहाँ बेचने जाता है। तो ये रहा सामने गुवाहाटी कॉलेज आपका राइट साइड पे, गुवाहाटी का सबको बताने बिछाना पड़ता है। ये रहा मंदिर जय गुरु शंकर है, पहले बुझा लेता भाई। मेरा भाई चाचा जी याद घूर घूर करके देख रहा है, चाचा जी सारी चुस्की ले रहा है बता। क्या जगह चाहिए भाई, अब फिलहाल बता दूँ ये सब के आगे कभी स्पीड में भाई मत चलाना, कभी जितना होगा सर डिस्टेंस मेंटेन करके बाइक चलाना, लेकिन कब कुछ हो जाएगा कुछ पता भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा पहले से ही सावधान रहता है बहुत ज़रूरी है। मेरा सामने कॉलेज हम जातीय विद्यालय है, ये भी गुवाहाटी का सबसे बड़ा स्कूल है, ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है और इसकी स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा ही है। मेरा मंदिर मंदिर यार, आप लोग वीडियो देखते हैं कि नहीं हुआ कुछ पता नहीं चला, आप लोग वीडियो पर प्यार ही नहीं दे रहा, थोड़ा सा प्यार दो भाई, सबके लिए इतना बड़ा सा आपके लिए इतना बड़ा मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ भी तो आपके लिए थोड़ा कुछ सपोर्ट कीजिए, थोड़ा प्यार दिखाइए, आपके लिए इतना सारा वीडियो बना के आ रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ एक सुबह बढ़िया से संडे संडे पे राइड निकलूँ, कम से कम मिनिमम आपका 100-200 किलोमीटर चलूँ उधर पे, बढ़िया सा राइड और बड़ी जगह पे एक बढ़िया लोकेशन आपका। सोच रहा हूँ जाओ क्या कहते, ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रेन उधर से उधर तक है पूरा, ऊपर से पहाड़ का नज़ारा सुबह सुबह तो एकदम फ्रेश है, कुछ भी नहीं खाली नहीं, पूरा पॉल्यूशन भी नहीं है, कुछ धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, देखने का काफ़ी मज़ा ही अलग है। मेरा मामा लोग की गाड़ी जा रहा है, अभी कहाँ पे जाएगा, कभी ओला मंदिर पहाड़ के ऊपर सबसे ऊपर चढ़ रहा है कोई सबसे रहा तो कम से कम जरूर बताया, सबसे ऊपर एक मंदिर होता है और हर साल में एक बार ही होता है, काफ़ी ज़्यादा आदमी लोग जाता है उधर पे और जाते ऊपर भगवान का दर्शन भी करता है। इधर पे सब लोग एक लोग आओ ना एक बार आओ जरूर आओ, साल में एक बार ही होता है, कम महीना कम से कम अप्रैल महीना होगा शायद अप्रैल महीना होगा उधर पे पूजा होता है, तो इसलिए आप आओ इधर से आओ बाद दूसरा से जगह से भी हो एक बार देखने के लिए जरूर आओ। इसका जो बिल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया है भाई, क्योंकि इधर पे सारे तरफ से आपका पूल के ऊपर एकदम गार्डन बना दिया लाइन करके, जो पूल का वो लगा दिया काफ़ी ताप में उधर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए वो बिल्डिंग भी थोड़ा अच्छे लुक में आ रहा है। और ऊपर से यार आप बाहर के नज़ारे जाएंगे, इस पार में भी जाएंगे और उस पार में भी जाएंगे, जरूर आपको वीडियो दिखाएंगे, थोड़ा बढ़िया बढ़िया लोकेशन आपको ढूंढ के आपको ले दिखाएंगे, थोड़ा सा आप प्लीज आपके लिए थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। ये रोड के रोड से ये दोनों से पहाड़ है भाई, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए
वैसे ये येल्लो कलर का थोड़ा थोड़ा सा पात जो इसका पेड़ का पत्ता है। जो लोकेशन है ना इधर पे बढ़िया सा फोटो खींचने से मजा आएगा आपको। ये दोनों साइड पैर ऊपर से जो जैसे लगा हो रहा है ऐसे दोनों साइड व्यू जो आ रहा है काफी ज्यादा होगा। चावर को इधर जैसे देख रहे हैं फोटो इधर पे झूले बाइक पर खड़ा करके बीच में एक ज्यादा मस्त फोटो आएगी आपकी। फिलहाल मैं तो नहीं खड़ा क्योंकि मेरे पास अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है, कौन खड़े फोटो खींचा देगा आपको मेरे लिए। मंजर भाई साहब जा रहे हैं सुबह सुबह जा रहे हैं और हम लोग हैं आपके लिए भाई। तो आप भी सपोर्ट कीजिए भाई, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और जो हम लोग को इधर पे जो न्यूज़पेपर मिलता है हर घर घर में इधर से कुछ सप्लाई होता है इधर के लिए सप्लाई मिलता है। सुबह सुबह लाइन लग गया पानी का भाई, पानी का कितना समस्या हो रहा है, इसलिए कहता हूँ थोड़ा पानी बचाओ। ही मेहनत करता है यार, सुबह सुबह न्यूज़पेपर देता है भाई, ठंडी की मौसम हो या गर्मी की मौसम हो पर बारिश का मौसम भी हो मेहनत करता है भाई लोग, दिल से एक सैल्यूट मारता हूँ भाई लोग। ये रश कम ला इतने में काफ़ी मस्त लग रहा है अभी लगे वाकई का काम है। मानता हूँ कि थोड़ा सा आपको बारिश देने से मौसम अच्छा नहीं भी मस्त होता, लेकिन जब बारिश देता है तो उसको फिजिक के जाना पड़ता है, उसको न्यूज़पेपर को भी थोड़ा संभाल के जाना पड़ता है, पूरा पेपर पक्षिंग वगैरह से पूरा सब कुछ मेंटेन करके जाना पड़ता है, नहीं तो भीग जाएगा। बिजनेस तो आपको मालूम चलता है ये लोग वीडियो देखने वाला इंसान है ही नहीं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो में सबसे कौन सा बात ज्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ एक संडे राइड भी आ रहा है, तब तक के लिए आप जरूर बने रहे इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएगा संडे राइड के लिए। तो इस वीडियो को जितना हो सके जितना प्यार दो, बस अभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि और ज्यादा मुझे मोटिव मिले और ज्यादा मुझे प्यार मिले। तब तक के लिए बाय बाय।